नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नौकरी को लेकर मंत्री आलोक मेहता ने किया बड़ा ऐलान। इग्नू से ग्रेजुएट छात्राओं को बिहार सरकार देगी इतने रुपए। राज्य में बढ़ती गर्मी से मिलेगी राहत। जमीन के बदले नौकरी मामले पर बीजेपी की भविष्यवाणी। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अश्विन कोहली और अक्षर पटेल ने लगाई लंबी छलांग। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एआईसी ने 40 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आईटी और रिमोट सेंसिंग व जीआईएस विभागों में 40 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आईटी विभाग में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए कंप्यूटर साइंस आईटी में स्नातक होना चाहिए और संबंधित विषय में गेट परीक्षा 2020 या 2021 या 2022 2023 में उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं रिमोट सेंसिंग के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में स्नातक पीजी के साथ गेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट aicofindia.com पर जाकर उसके करियर ऑप्शन में जाकर वहां मौजूद जारी किए गए नोटिफिकेशन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मार्च 2023 तक है। बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगा छात्रावास। राज्य में अनुसूचित छात्रों को छात्रावास मुहैया कराया जा सके, इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की प्रमंडलीय स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति की 30,000 से अधिक आबादी वाले छात्रों के लिए राज्य में कुल 39 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि 39 छात्रावास का निर्माण जिन स्थानों पर किया जाएगा उनमें पटना जिले में 13, नालंदा में 8, बक्सर में 3, रोहतास में 6, कैमूर में 4 और भोजपुर में 5 छात्रावासों का निर्माण करवाया जाएगा। मालूम हो कि इस बैठक में पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर, भोजपुर के डीएम राजकुमार, बक्सर के डीएम अमन समीर, रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार व कैमूर के डीएम नवदीप शुक्ला के अलावा इन जिलों के डीडीसी, आयुक्त के सचिव प्रतेश्वर प्रसाद, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी डॉक्टर विद्यानंद सिंह समेत कई लोग शामिल रहे। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गौतम स्थान के बारे में। गौतम स्थान या गौतम मंदिर सारण जिले का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको गौतम ऋषि का प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि यह गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था और यहाँ पर गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को श्राप दिया था कि वह पत्थर में परिवर्तित हो जाए और जब श्री राम यहाँ पर आएंगे तब श्री राम के चरणों के स्पर्श से माता फिर से पत्थर से इंसान बन जाएंगे। यहाँ पर सुंदर आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर आपको अहिल्या जी, गौतम ऋषि, राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर मूर्तियां देखने के लिए मिल जाती है। यह मंदिर सारण जिले में छपरा प्रखंड के गोदान में स्थित है। आप यहां पर अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। यहां पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यह मंदिर प्राचीन है। भयंकर लू की आशंका को लेकर बिहार के अस्पतालों में अलर्ट। मौसम विभाग से जुड़े और मौसम के जानकारों का कहना है कि इस बार मार्च से मई महीने के बीच भयंकर लू की कहर चल सकती है और साथ ही इस बार गर्मी में भी काफी वृद्धि होगी। हालांकि इससे निपटने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खास कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत राज्य के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लू से निपटने के लिए सारी तैयारियों की शुरुआत करने का दिशा निर्देश दे दिया गया है, जिसमें ORS की उपलब्धता, जीवन रक्षक औषधियों की पर्याप्त मात्रा, आवश्यकता अनुसार मोबाइल टीम का गठन समेत मरीजों के लिए से बेड आरक्षित करना जैसी चीजें शामिल है। बता दें कि इन सभी चीजों के अलावा लोगों को लू के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लू लगने पर अधिक पसीना, तेज गति से सांस चलना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी दस्त, तेज बुखार का आना जाना जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। इग्नू से ग्रेजुएट छात्राओं को बिहार सरकार देगी इतने रुपए। बिहार के वैसे छात्रा जिन्होंने इग्नू से ग्रेजुएट किया है उन छात्राओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल इन छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से राशि मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि यह राशि उन छात्राओं को उपलब्ध करवाई जाएगी जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। हालांकि इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ वही छात्रा उठा सकती हैं जिनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का हो। इस योजना के तहत सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच पास हुए कुल 8,000 छात्राओं को 50,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी, लेकिन इसके लिए छात्राओं को meghasoft.bih.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। तीर्थस्थल देव में
में 4 दिवसीय चैती छठ मेला की तैयारी शुरू। बिहार के औरंगाबाद में स्थित विश्व प्रसिद्ध सौर तीर्थ स्थल देव में चैती छठ के अवसर पर लगने वाले 4 दिवसीय चैती छठ मेले 2023 की तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि इसके लिए देव प्रखंड के सभागार में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा बैठक कर सभी जिलास्तरीय एवं देव के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ तैयारी की समीक्षा की गई। इस दौरान डीएम के द्वारा दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि चिन्हित स्थलों पर ड्रॉप गेट और बैरिकेडिंग का निर्माण करवाया जाए और साथ ही चापाकलों की मरम्मत और पानी की टैंकर की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सभी आवासन स्थलों पर शौचालय एवं पानी की भी व्यवस्था की जाए और किसी प्रकार की अनहोनी घटना को रोकने के लिए श्रीकुंड में बैरिकेडिंग के चारों ओर जाल लगाया जाए। डीएम ने निर्देश दिया कि देव आने वाले रास्ते में जहां भी गड्ढे हैं उसकी मरम्मत भी जल्द से जल्द कराई जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मेले की शुरुआत 25 मार्च से होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नौकरी को लेकर मंत्री आलोक मेहता ने किया बड़ा ऐलान। बीते दिन बुधवार को भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता के द्वारा बिहार विधानमंडल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नौकरी को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में भूमि राजस्व विभाग में 10,000 लोगों को नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। विभाग की तरफ से जिन्हें भी नौकरी दी जाएगी उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब 1700 अमीनों की बहाली का भी रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही उसमें भी नियुक्ति की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए विधानसभा में ध्वनि मत से सभी सदस्यों की सहमति के बाद 15 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है। इस दिन आ सकता है बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट। अगर आपने भी 2023 में बिहार बोर्ड इंटर का परीक्षा दिया है और आपको उसके रिजल्ट का इंतजार है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट 18 मार्च से 20 मार्च के बीच निकल सकता है। हालांकि अब तक इसको लेकर बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार अपनी नजर बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर अपनी नजर बनाए रखें। वहीं रिजल्ट देखने के लिए भी छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इंटर की परीक्षा दी है। अब बिहार में भी मरीजों को दवा बताकर फीस ले सकेंगे फार्मासिस्ट। अब बिहार में देश के अन्य राज्यों की तरह ही फार्मासिस्ट भी मरीजों को डॉक्टर की तरह दवाओं की जानकारी देने पर फीस ले सकेंगे। बता दें कि इस नियम के लागू होने की सूचना बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पटना उच्च न्यायालय को दे दी गई है। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल ही में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 और संशोधन 2021 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं बिहार राज्य पूरे देश में ऐसा चौथा राज्य बन गया है जिसने फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को लागू किया है। अभी तक बिहार से सबसे पहले देश के जिन राज्यों में इस नियम को लागू किया गया था उनमें केरल, कर्नाटक और दिल्ली है। राज्य में इस नए नियम को विभाग के संयुक्त सचिव के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार मार्च महीने से ही लागू किया जा सकता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राजन कुमार के बारे में। राजन कुमार मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर गांव के रहने वाले हैं और वो चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय करते हैं। इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। राजन कुमार को आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चार्ली चैपलिन 2 के नाम से जाना जाता है। बता दें कि उन्होंने अब तक चार्ली चैपलिन का 5,000 से ज्यादा शो कर लिया है। राजन कुमार ने पद्म विभूषण सत्यदेव गुरु से अभिनय की शिक्षा ली है। इसके बाद थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों में काम किया है। चार्ली चैपलिन के लाइव शोज करने के साथ साथ राजन कुमार ने कई टीवी सीरियल सीआईडी ये हवाएं, हीरो, लापता गंज और चिड़ियाघर और सीआईडी में भी काम किया है। ये एजेंट विनोद और बंटी बबली जैसे फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। उन्हें पद्मश्री नेपाल महतो के मार्गदर्शन में छऊ नृत्य के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। बीपीएससी एलडीसी कंप्यूटर टाइपिंग की टेस्ट डेट बदली। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी एलडीसी कंप्यूटर टाइपिंग की टेस्ट को बदलकर 20 मार्च 2023 से 11 अप्रैल 2023 कर दिया गया है। बता दें कि यह बात बीते दिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके दी गई है। मालूम हो कि इस परीक्षा के माध्यम से निम्न वर्गीय लिपिक के 24 पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी एलडीसी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन 19 मार्च 2021 को जारी किया गया था जिसका आखिरी तारीख 16 अप्रैल 2021 था। वह आवेदन प्रक्रिया केवल 10वीं और इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थियों के लिए ही जारी किया गया था। वहीं वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी एलडीसी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट से जुड़ी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
बीजेपी विधायक लखिंद्र रोशन कुमार का निलंबन हुआ रद्द। बीते दिन बिहार विधानसभा का 11वां दिन था, ऐसे में सदन की शुरुआत लखिंद्र रोशन कुमार के निलंबन को लेकर भाजपा के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी से हुई। वहीं बीते दिन बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों के द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की गई। मालूम हो कि लखिंद्र रोशन कुमार के निलंबन को लेकर बीजेपी के द्वारा सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया गया और सदन के बाहर ही भगीरथी देवी को अध्यक्ष बनाकर शैडो विधानसभा की कार्यवाही शुरू की गई। बता दें कि इस दौरान जहां लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत मिलने की खुशी में आरजेडी विधायकों के द्वारा लड्डू बांटी गई, इस दौरान बीजेपी और राजद के विधायकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई, जिसमें बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा का कुर्ता फट गया, जिसका आरोप उन्होंने राजद नेता पर लगाया। हालांकि फिर गतिरोध को दूर करते हुए सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे शुरू कर दिया गया, जिसमें निलंबित बीजेपी विधायक लखिंद्र रोशन कुमार को भी शामिल किया गया। शरीर से चिपके शराब के 60 बोतल बरामद। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन तस्कर रोज नए तरीके से शराब तस्करी का काम कर रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोटनरहवा गांव के पास का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मोटरसाइकिल सवार के व्यक्ति के शरीर से 60 बोतल देसी शराब की खेप बरामद की गई है। दरअसल उस व्यक्ति ने अपने शरीर पर देसी शराब की बोतल को टेप के सहारे चिपका कर रखा था। वहीं फिलहाल उस युवक पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मालूम हो कि गिरफ्तार युवक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिबवा गांव निवासी शंभु तिवारी के रूप में की गई है। इस दिन आएगा पंचायत सीजन 3। अगर आप भी पंचायत वेब सीरीज के फैंस हैं और अब तक आपने पंचायत सीरीज का सीजन 1 और 2 देख लिया है और अब तीसरे सीजन के इंतजार में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत सीजन 3 इस साल दिवाली के आसपास तक स्ट्रीम हो सकता है। हालांकि अगर पंचायत 3 के कहानी की बात करें तो इसे लेकर कोई खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन लगाए गए अनुमान के अनुसार सीजन 2 के अंत में विधायक सचिव जी के ट्रांसफर की बात कर रहा था, तो हो सकता है कि सीजन 3 की कहानी की शुरुआत इन्हीं सब चीजों से हो और यह सब ही देखने को मिले। इसके अलावा सीजन 3 में यह भी देखने को मिलेगा कि फुलेरा गांव से जिस सचिव जी निराश रहते थे, क्या वहां से उनका कोई नाता जुड़ेगा, और साथ ही रिंकी और सचिव जी की प्रेम कहानी में आगे क्या होगा। अब पंचायत सीजन 3 अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। राज्य में बढ़ती गर्मी से मिलेगी राहत। राज्य में बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम को लेकर एक अच्छी खबर आई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 से 21 मार्च के बीच बिहार के कई हिस्सों में ठंड का और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। IMD के द्वारा इसको लेकर किसानों को सतर्क करते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दरअसल IMD के मुताबिक इस दरमियान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में 10 से 40 मिलीमीटर बारिश होने की प्रबल संभावना है। IMD पटना के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आशीष कुमार की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक रबी की फसल पक गई है, तो 17 मार्च से पहले इसकी कटाई कर ले। मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों की दयनीय स्थिति को लेकर पटना कोर्ट ने की सुनवाई। मधुबनी पेंटिंग, जो कि राज्य की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पेंटिंग है, उसके सरकारी उपेक्षा और कलाकारों की दयनीय स्थिति पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आगे की कार्य योजना को अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। दरअसल राज्य सरकार को मधुबनी पेंटिंग के विकास, विस्तार और कलाकारों के कल्याण के लिए आत्मबोध की जनहित याचिका पर ACJ जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने कार्य योजना के बारे में बताने को कहा। बता दें कि पटना एयरपोर्ट परिसर में बने मधुबनी पेंटिंग का निरीक्षण कर कल कोर्ट में पिछली सुनवाई के समय कला और संस्कृति सचिव व उद्योग विभाग के निदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। PPU में इस दिन से शुरू हो जाएगी परीक्षा। कुलपति प्रोफेसर RK सिंह के निर्देश के बाद परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेश मंडल के द्वारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्नातक रेगुलर और वोकेशनल कोर्स के परीक्षा के लिए कार्यक्रम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा की शुरुआत 20 अप्रैल से होगी, जिसमें ऑनर्स विषय की परीक्षा 27 अप्रैल तक चलेगी। वहीं स्नातक पार्ट 2 रेगुलर कोर्स की परीक्षा की शुरुआत 9 मई से होगी, जिसमें ऑनर्स विषय की परीक्षा 13 मई तक चलेगी और सब्सिडियरी विषय की परीक्षा की शुरुआत 16 मई से होगी, जो कि 24 मई तक चलेगी। इसके अलावा स्नातक पार्ट 3 के रेगुलर कोर्स की परीक्षा की शुरुआत 24 अप्रैल से होगी, जो कि 6 मई तक चलेगी। वहीं वोकेशनल कोर्स पार्ट 1 की परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होगी, जो 15 मई तक चलेगी। वोकेशनल कोर्स पार्ट 2 की परीक्षा की शुरुआत 9 मई से होगी, जो 23 मई तक संचालित होगी, और वोकेशनल पार्ट 3 की परीक्षा की शुरुआत 24 अप्रैल से होगी, जो कि 6 मई तक आयोजित की जाएगी। जमीन के बदले नौकरी मामले पर बीजेपी की भविष्यवाणी।
बीते दिन बुधवार को जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के द्वारा लालू परिवार को घेरते हुए भविष्यवाणी की गई। उन्होंने कहा कि अब लालू परिवार को न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बचा सकते हैं और न ही कोई और। उन्होंने कहा कि लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है, जिसके आधार पर सीबीआई के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास जो भी सबूत है वह सबूत जेडीयू की ओर से ही दिया गया है, जिसके आधार पर जाँच को पूरा किया जाएगा। बता दें कि बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मिशा भारती की दिल्ली की अदालत में पेशी हुई थी, जहां से उन्हें 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई। बिहार विधानसभा में विपक्ष को मनाकर सदन में लाई सरकार। बीते दिन बिहार विधानसभा सत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखा दिया। दरअसल बीते दिन बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने से पहले ही बीजेपी के द्वारा सदन का बहिष्कार कर दिया गया और सदन के मुख्य द्वार पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद और भाजपा विधायकों के बीच हाथापाई तक हो गई। वहीं सदन की पहली पाली बिना विपक्ष के चली, लेकिन जब दूसरी पाली में भी बीजेपी विधायक सदन में नहीं पहुंचे तो मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष यानी कि बीजेपी के बिना सदन सूना लग रहा है, बगैर विपक्ष के सदन कैसे चलेगा, इसलिए उनसे यहां आने का आग्रह करना चाहिए। इसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा सदन के अंदर से ही बीजेपी को सदन में आने की अपील की गई और फिर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे बीजेपी को मनाकर सदन में वापस लाए, जिसके बाद कांग्रेस विधायक ने बीजेपी विधायकों को मनाया और सदन में वापस लेकर आया। वहीं इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए कहा कि आप आए और बिहार लाए। प्रशांत किशोर ने ईडी की कार्रवाई पर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बीते दिन राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान इन दिनों लालू परिवार पर हो रहे ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुश हैं या नहीं, यह बात नीतीश कुमार से अच्छा कौन जान सकता है। उन्होंने कहा कि इन दिनों लालू परिवार के ऊपर ईडी की जो छापेमारी चल रही है, उस पर नीतीश कुमार की ओर से न पक्ष में बोला जा रहा है और न ही विपक्ष में, जबकि उन्हें साफ कहना चाहिए कि लालू यादव हमारे सहयोगी और उन पर जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए जा रहे हैं वह सब गलत है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वह ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वह क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जानते हैं कि 2025 में ना तो उनकी सरकार बनेगी और ना ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए वे बिहार में एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनसे भी खराब काम करे, जिससे लोगों को लगे कि नीतीश की सरकार चाहे कितनी भी खराब थी लेकिन इससे अच्छी थी। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार को बहुत भीतर से जानता हूं कि वो क्या सोचते हैं, अगर उनमें दम है तो वह बोल के दिखा दे कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अश्विन कोहली और अक्षर पटेल ने लगाई लंबी छलांग। बीते दिन बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की ताजा रैंकिंग जारी की गई। बता दें कि इस ताजा रैंकिंग के अनुसार स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इसके अलावा भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और ऑलराउंडर अक्षर पटेल के द्वारा भी लंबी छलांग लगाई गई है। बता दें कि कोहली ने 7 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर बल्लेबाजी रैंकिंग में 13वां स्थान हासिल किया, तो वहीं बल्लेबाजी रैंकिंग में 9वें स्थान पर ऋषभ पंत और 10वें स्थान पर कप्तान रोहित शर्मा का नाम शामिल है। इसके अलावा भारत के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 8 स्थान की छलांग लगाते हुए बल्लेबाजी में 44वां स्थान हासिल किया है। वहीं वो ऑलराउंडर्स की लिस्ट में 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। अमृतसर समझौते के मुताबिक कश्मीर का आधिपत्य 1846 में जम्मू के हिंदू राजा गुलाब सिंह के अधीन कर दिया गया। भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इंदौर के होलकर वंश का प्रवर्तक मल्हार राव होलकर का 1693 में जन्म हुआ। गांधी जी के अनुयायी स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामलू का 1901 में जन्म हुआ। भारत के जाने माने शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार अंबिका प्रसाद देवी का 1906 में जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक तथा फिल्म निर्माता दया किशन सप्रू का 1916 में जन्म हुआ। 1947 में प्रसिद्ध कवि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय का निधन हुआ। 1955 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विजयानंद त्रिपाठी का निधन हुआ। वेलकम में आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार परीक्षा के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार परीक्षा के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि भारत सरकार से संबंध होने का दावा करने वाली एक फर्जी वेबसाइट rtegov.org.in शिक्षा का अधिकार परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 550 रूपए और 350 रूपए ले रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट भारत सरकार से संबंधित नहीं है। @edumenofindia के द्वारा ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।
इंडिया सीजन 2 में इस सार्क ने किया सबसे ज्यादा निवेश। 10 मार्च को बिजनेस रियलिटी शो सार्क टैंक ऑफ इंडिया सीजन 2 खत्म हो गया है। बता दें कि सीजन में नमिता थापर, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, अनुपल मित्तल, विनीता सिंह और अमित जैन बतौर जज नजर आए। मालूम हो कि सीजन 2 में इन सभी 6 सार्क्स के द्वारा कुल 81.16 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। वही जिस सार्क ने इस सीजन में सबसे ज्यादा निवेश किया है वह एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के MD नमिता थापर है। उन्होंने इस सीजन में कुल 19.04 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहीं सबसे ज्यादा निवेश करने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर 17.84 करोड़ रुपए के साथ बोर्ड के फाउंडर अमन गुप्ता रहे। वहीं तीसरे नंबर पर 16.16 करोड़ रुपए के साथ EIVL कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सार्क टैंक इंडिया सीजन 2 की शुरुआत 2 जनवरी 2023 को की गई थी जो कि 10 मार्च 2023 तक चली। आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप चैट के लिए खास फीचर। व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स के लिए एक नया अपडेट लेकर आने वाला है जिसमें फोन नंबर मेंबर के यूजर नेम से बदल जाएगा। इसका मतलब है कि नए अपडेट के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में किसी अनजान शख्स का मैसेज आने पर यूजर्स को फोन नंबर की जगह यूजर नेम दिखाई देगा। हालांकि यह अपडेट सिर्फ ग्रुप चैट के लिए काम करेगा, पर्सनल चैट के लिए नहीं। यह फीचर ग्रुप चैट के लिए तो काम करेगा ही, लेकिन इसी के साथ ग्रुप में मेंबर्स की लिस्ट देखते समय भी यह फीचर काम कर सकता है। व्हाट्सएप का यह लेटेस्ट अपडेट यूजर्स के लिए यह समझाना आसान कर देगा कि अज्ञात नंबर से मैसेज करने वाला सेंडर कौन है। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, पायल कुमारी, पंकज कुमार दास, विपिन लाल वर्मा, सत्तू लाल, नुन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रोहित कुमार सिंह, राम नरेश यादव, अभिषेक राज, मोहम्मद सैफुल्लाह, अनवर करीम खान, शंकर शाह, दीपक कुमार मिश्रा, कविता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी में लू से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।